गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं आप सबके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा ड्रेसेस आपको पसंद आई ना। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो ड्रेसेस मैंने परचेज की हैं बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मैंने ली है। सो आई थॉट कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। और इस वेबसाइट को मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, बिकॉज आप सबको पता है इस तरह की ड्रेसेस मुझे वेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मटेरियल वाइज हर चीज़ वाइज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने देखा कि यार ये मुझे बहुत ज़्यादा सही प्राइस में मिल रही है, तो मुझे ट्राई करना चाहिए। और मुझे डाउट भी था कि पता नहीं कैसी होगी, क्वालिटी कैसी होगी और मतलब मटेरियल पूरा कैसा होगा, बट मुझे ये काफ़ी पसंद आई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं जल्दी से आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ। और पूरी वीडियो देखने के बाद, ड्रेसेस देखने के बाद, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, मेरी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना यार। और उसके साइड में छोटा सी घंटी है, उस पर भी प्रेस कर दोगे तो आगे से मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, स्वाहा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है। और बात करें सबसे पहले कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि मुझे कितने दिन में रिसीव हुआ है। इस करीबन 25 अप्रैल को मैंने ऑर्डर किया था और ये मुझे 2-3 दिन पहले रिसीव हुआ है। सो इस तरह की पैकेट भी मुझे रिसीव हुआ है और मैं इसे ओपन कर चुकी हूँ, बिकॉज हमारी कोई भी न्यू चीज़ आती है तो ऑब्वियस सी बात है ओपन करना तो बनता ही है। कि मैं भी एक्साइटेड थी कि पता नहीं कैसी होगी, जैसे दिखाई हुई है सेम वैसी होगी या कुछ डिफरेंट मुझे रिसीव हो जाएगा। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो पसंद आए तो। तो यहाँ पर मैंने एक ये ड्रेस मंगाई है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। नेक्स्ट मैंने ये मंगाई है एंड ये है थर्ड ड्रेस। तो यस, आपको दिख गया होगा टोटल मैंने 3 ड्रेसेस मंगाई है। वहाँ से आपको देखने से पता लग रहा होगा दी आपने तो 2 कलर की सेम ड्रेसेस मंगा ली। नहीं भाई, ये 2 कलर की सेम ड्रेस नहीं है, डिफरेंट है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इस ड्रेस की। तो गाइस, इस तरह की पैकेजिंग के साथ ये मुझे रिसीव हुई है एंड लुक एट द ड्रेस गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। आपको याद आया हो तो मैंने शीन से भी एक ऐसी ही ड्रेस परचेज की थी, यू नो हाई नेक की, जिसमें मेरे पास 2-3 कलर है। तो मैंने देखा इस पर भी मुझे ऐसी ही ड्रेस मिल रही है, मतलब थोड़ा सा डिज़ाइन इसका डिफरेंट है, इसलिए इसका मकसद है इसे परचेज करने का कि इसे अगर आप मैरिड हो तो इसे एवरीडे में भी अच्छे से वेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। और अगर आपकी मैरिज होने वाली है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि भाई इस तरह की ड्रेस आपको परचेज कर लेनी चाहिए, एवरीडे के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेगी। सो गाइस, ये कुछ इस तरह से है। और इस ड्रेस की खास बात है कि इसमें मुझे पैडिंग मिल रही है यहाँ पे, तो इसके साथ ब्रा अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, यहाँ से इसका जो डिज़ाइन है वो सी टाइप में जो नेक आती है, मुझे सी नेक का ना पता नहीं है, अगर आपको इसका नाम पता हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना। सो गाइस, कुछ इस तरह से इसकी नेक है और 3/4 स्लीव्स के साथ है ये। तो 3/4 स्लीव्स तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, बिकॉज फुल स्लीव्स में थोड़ी सी यू नो इस तरह की इशू आते हैं मुझे। तो इस तरह से है ये फ्रंट से। देन इसमें मैंने साइज़ लिया है, आई थिंक 8 मैंने साइज़ लिया है। देन इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पैडिंग। एक यहाँ से इसमें कोई इनर नहीं यूज़ कर रखा, बट नेट यूज़ कर रखा है। आई होप यू कैन सी, मतलब बाहर से ऐसा है और अंदर से इसमें जो जाली वाला नेट आता है वो यूज़ कर रखा है। वेट, आई विल शो यू। सो अंदर से इसमें ये वाला नेट यूज़ कर रखा है। देन इसके बाद यहाँ से इसमें पैडिंग यूज़ कर रखी है, लाइक पैड यूज़ कर रखे हैं। तो अंदर से आप इसका मटेरियल देख रहे हो, बहुत ज़्यादा यू नो सॉफ्ट टाइप में है एंड कुछ इस तरह से है। बैक साइड से ये वी स्टाइल में है। देन इसके बाद इसमें चेन है। फ्रंट पे चोली तक आपको डिज़ाइन मिलेगा। देन इसके बाद यहाँ पर ये जो एरिया आपको शाइनी मिल रहा है ना, ये रिबन टाइप में है। बट यहाँ पर एक और खास बात मिल रही है इस ड्रेस की, ये स्ट्रेचेबल है। एक यहाँ से ये जो रबर की तरह ये स्ट्रेच होता है। एंड गाइस, जो इसके फ्रिल्स है ना, ओ माई गॉड, इसके फ्रिल्स बहुत ज़्यादा सुंदर है। सो लुक, सो गाइस ये है इसकी फ्रिल्स। जब मैं आपको इसे वेयर करके दिखाऊंगी ना तो आपको और अच्छे से पता लगेगा। और अगर आपको कोई साइज़ का इशू हो रहा है तो वहाँ पर उनकी वेबसाइट पे लिंक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तीनों ड्रेसेस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इसे हट के भी ड्रेसेस देख सकते हैं, ये मेरी चॉइस थी इन ड्रेसेस की, आप अपनी पसंद की भी देख सकते हैं। एंड साइज चार्ट वहाँ पे मेंशन होगा। मैंने इसमें यूके साइज लिया है 10, जो कि है 38 EU साइज। अब चेक कर लेते हैं किस तरह का मटेरियल इस पे यूज़ कर रखा है। सो फ्रिल्स पे फर्स्ट इसमें जूलचर टाइप का मटेरियल यूज़ कर रखा है। एंड इनर के लिए इसमें यूज़ कर रखा है नायलॉन टाइप में। तो ये है मेरी फर्स्ट ड्रेस।
एक ग्रे कलर का गाउन जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, सो यू कैन सी। सो फ्रंट से ही कुछ इस तरह से है, लाइक मुझे यहाँ से जो इसकी जो नेक है ना, इतना डीप मैं नहीं वियर करती हूँ, लाइक यहाँ से आपको पता लग रहा होगा। तो इसको मुझे फिक्स कराना है, तो यहाँ से कुछ इस तरह से शोल्डर पे से किया, तो मैं इसे स्ट्रिच कराऊंगी, कुछ तो करवाऊंगी। तो इसमें मुझे सिर्फ यही प्रॉब्लम हुई, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा सी थ्रू है, तो इस तरह के कपड़े मैं नहीं पहनती, तो मुझे इसे भी फिक्स कराना होगा। लाइक ग्रे कलर का इनर मैं इसमें यूज़ करा सकती हूँ। और इसे फिक्स कराने का अगर मतलब आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा हो तो मुझे कॉमेंट्स करके बताना। सो गाइस फ्रंट से कुछ इस तरह से है, जो इस पे कढ़ाई वर्क है ना, ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, इसको बहुत ज्यादा सुंदर लुक दे रहा है ये। सो यू कैन सी, इसके बाद फ्रंट से तो कुछ इस तरह से है, देन यहाँ पर इसमें ये बेल टाइप में दे रखा है। देन यहाँ से सेकंड पार्टीशन आ जाता है, अगेन इसमें एक और खास बात है, सेकंड पार्टीशन में यहाँ पर ये देख रहे हो आप, यहाँ पे रबर है, इससे आपका साइज एडजस्ट हो जाएगा। देन इसके बाद ये है इसकी फ्रिल्स और फ्रंट डिज़ाइन, गाइस ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसका कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है। सी बैक साइड से कुछ इस तरह से है, बैक साइड से अगेन ही थोड़ा सा डीप चला जाता है, ठीक है बैक साइड से तो ठीक है इतना चल जाता है। सो बैक पे से भी इसका डिज़ाइन कुछ इसी तरह से है, और इसमें मैंने अगेन साइज लिया है 08, इसमें मैंने स्मॉल साइज लिया है 08। एंड देन इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें नेट कैसा यूज़ कर रखा है। गाइस दोनों ड्रेसेस में नेट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो ये है इसका नेट, और ये देखिए इसकी जो फ्रिल्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। देन इसके बाद इसमें इनर यूज़ कर रखा है किस तरह से, तो अगेन इसमें नायलॉन टाइप का इनर यूज़ कर रखा है कुछ इस तरह से। सो ये है मेरी नेक्स्ट ड्रेस, करके बताना तीनों ड्रेसेस देखने के बाद कि आपको सबसे ज़्यादा सुंदर कौन सी लगी। तो यहाँ पर ये ड्रेस मैंने ऑफ शोल्डर मंगाई है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। अगेन ये मुझे ऑफ शोल्डर है, आप इसके नीचे ब्रा भी वेयर कर सकती हो, किस तरह से बताती हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पर हुक दे रखे हैं कि आपने अपनी कोई भी पैड वाली ब्रा वेयर की और उसके आपने स्ट्रैप्स निकाल दिए, और जो हुक होता है ना उसको इस पे अटैच कर दिया। यहाँ से दोनों साइड है, बैक साइड से भी है, तो इससे आपको ये कुछ इस तरह से कंफर्टेबल हो जाएगी। इसमें आपको पैडिंग नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर ये जो रबर वाला एरिया है ना, लाइक ये दिख रहा है आपको, ये आपकी स्किन पे इस तरह से लगेगा, स्किन को इरिटेट नहीं करेगा और इस स्ट्रेस को बिल्कुल भी नीचे नहीं जाने देगा, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। देन इसके बाद ये है 3/4 स्लीव्स में, अगेन फ्रंट से कुछ इस तरह से है, वेस्ट पे अगेन इसमें बेल्ट दे रखी है, बैक साइड से अगेन इसमें चेन है। एंड लुक एट द फ्रिल्स गाइस, इसकी जो फ्रिल्स है ना, मैं सीरियसली फिदा हो गई इसकी फ्रिल्स पे। देन इसके बाद ये जॉर्जेट में है, सॉफ्ट वाला जॉर्जेट, वैसे वाला नहीं जो इरिटेट करता है। देन इसके बाद अगेन इसमें कैसा इनर यूज़ कर रखा है, तो अगेन इसमें नायलॉन वाला इनर यूज़ कर रखा है। नायलॉन वाला इनर मतलब ये नहीं है कि वो जो एक होता है ना बहुत अजीब सा, जो सस्ती क्वालिटी वाला, वैसा नहीं है, अच्छी क्वालिटी वाला नायलॉन है। सो गाइस ये है मेरी थर्ड ड्रेस। ड्रेसेस आई रियली होप कि आपको ये पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो, आप परचेज करने की सोच रहे हो, तो बैंक लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। इनकी वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप परचेज कर लो, आपको रिसीव हो जाए, तो मुझे कमेंट्स करके भी जरूर बताना। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकती है अपनी पिक्चर इस ड्रेस के साथ, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नेहा लव्स फैशन। सो गाइस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।